सो गाइस यार क्लोज रेंज में कुछ ऐसी बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स है जिन्हें हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, लेकिन भाई हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली में वो मिस्टेक्स हैं और उन्हीं की वजह से हमारा जो गेम प्ले ना कभी इंप्रूव हो ही नहीं पाता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज के कॉन्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइस आज की वीडियो का इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लोज रेंज मिस्टेक्स के बारे में। क्योंकि यार क्लोज रेंज की टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं आपको देता रहता हूँ और आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि गाइस तुम्हें सबको पता है यार अगर तुम्हें खुद की मिस्टेक्स ही नहीं पता तो तुम वहां पे इंप्रूव कभी कर ही नहीं पाओगे। सपोज करो भाई तुम्हें अपने हिप फायर में कभी मिस्टेक लगी नहीं, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा हिप फायर ही खराब है, तो भाई तुम उसमें कभी इंप्रूव करने ही वाले नहीं हो। तो इसीलिए भाई मिस्टेक्स का भी पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस इस वीडियो में यार उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वाली वीडियो को लाइक एम 5000 रख लेते हैं, आई गेस आप इजीली करवा दोगे जैसा कि तुमने पिछली वाली वीडियो को करवा दिया था इजीली। गाइस उसी की तरह यार इस वाली वीडियो का भी लाइक एम फटाफट से कंप्लीट करवा दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना अगर तुम यहाँ पे न्यू आ गए हो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार गाइस तो बात कर लेते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो कि एक्चुअली में भाई कई लोगों को तो मिस्टेक लगती भी नहीं है। गाइस आप में से भी यार बहुत से लोग ये वाली मिस्टेक करते होंगे कि बिना हेलमेट वेस्ट भाई वो कहीं पे भी पुश कर देते हैं। गाइस ऑब्वियस ही बात है यार, एक तो तुम फ्री फायर में घुसोगे किसी घर में, तुम अगर पुश कर रहे हो सपोज करो तो वहां पे पहले से ही भाई बंदे बैठे रहते हैं, उसी टाइम पे अगर तुम बिना हेलमेट वेस्ट घुस जाते हो तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारे पास एडवांटेज नहीं होने वाला है वहां पे। तो मेक श्योर करो कि गाइस अगर तुम्हारे पास हेलमेट वेस्ट नहीं है ना, तो तुम टीम के ऐसे बंदे को भेजो वहां पे जिसके पास भाई अच्छे से गियर्स हैं, अच्छे खासे हेलमेट वेस्ट है या फिर डैमेज्ड उसके हेलमेट वेस्ट नहीं है। क्योंकि यार देखो क्लासिक तो ठीक है हम फन के लिए खेलते हैं, तब तो कोई बात नहीं हम मर जाएंगे दोबारा खेलेंगे, लेकिन सपोज करो भाई एक टूर्नामेंट आप खेल रहे हो या फिर T1 कस्टम्स आप खेल रहे हो, तो आपकी एक गलती की वजह से भाई आपकी जो पूरी टीम है ना वहाँ पे डेड हो सकती है। एंड गाइस यार इस वाली मिस्टेक को सबसे पहले रखने का भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रीजन था मेरे पास, क्योंकि यार देखो कभी भी हम मरते हैं ना तो हम या तो दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि तूने कवर मुझे नहीं दिया, या फिर हम किसी भी चीज़ को ब्लेम करने की ट्राई करते हैं, वहाँ पे मेरा लैग हो गया, डीसिंक में मैं मर गया, नेट मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन हम खुद की गलती है ना भाई, क्योंकि हम बिना हेलमेट वेस्ट के घुस गए तो भाई हम खुद को कभी ब्लेम नहीं करते वहाँ पे। तो भाई ये चीज़ का है ना जरूर से तुम ध्यान रखा करो, अगर कहीं पे भी तुम घर वगैरह में पुश कर रहे हो ना तो अगर हेलमेट वेस्ट नहीं है ना, तो भाई देखो तुम पूरा अपना मतलब या तो तुम्हारी क्लोज रेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट कर लो भाई, या तो किसी और को भेज दो या फिर तुम्हारे पास जब तक अच्छे गियर नहीं आ जाते, हेलमेट वेस्ट नहीं आ जाते, तब तक भाई वहां पे एटलीस्ट पुश मत करो। सो गाइस सर बात करेगा हमारी सेकंड मिस्टेक के बारे में, तो ये होने वाली भाई गन स्विचिंग के ऊपर। अब ये बहुत से लोगों के साथ होती है, पर्सनली भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इसको अभी भी करते रहता हूँ, लेकिन मेरे को पता चल गया है कि यार मेरे को कहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है। अब भाई होता क्या है ना, जब भी हम क्लोज रेंज फाइट में होते हैं ना तो हमारा भाई माइंड है ना उसी तरह से सेट हो चुका रहता है, क्योंकि हम बार बार गन स्विच करते रहते हैं नॉर्मल क्लासिक में। तो भाई जब भी हम क्लोज रेंज फाइट में होते हैं ना, तब होता क्या है कि जैसे ही भाई हम फायर करते हैं ना, 10 गोली भी हम फायर नहीं करते हैं और फटाफट से भाई हम जो है गन स्विच कर लेते हैं, और ऐसे धीरे धीरे कर करके भाई या तो हम पूरा एमो खत्म कर देंगे या फिर जैसे हम गन स्विच करते हैं ना, तो भाई उसी के जो गैप आता है ना थोड़ा सा जिसमें हम गन नहीं चला पाते, उसी गैप का भाई फायदा आगे वाले बंदे को हम दे देते हैं, वहाँ पे एडवांटेज उसको दे देते हैं, भाई उसी एडवांटेज का फायदा आगे वाला बंदा उठा लेता है और वहाँ पे भाई हमारी पेटी बन जाती है। तो ये भाई मिडिल ऑफ द फाइट है ना गन स्विचिंग की जो प्रॉब्लम है ना, तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब देखो फिर से वही बात कहूंगा, क्लासिक में तो ठीक है अगर हम फन के लिए खेल रहे तो ठीक है, लेकिन गाइस अगर कोई टूर्नामेंट हम खेल रहे तो वहाँ पे पूरी टीम हमारी वजह से मर सकती है। तो इसीलिए भाई ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना इनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए भाई ये वाली दूसरी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि यार लोगों को खुद की मिस्टेक का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी भाई उस सेक्टर में जो है वो इंप्रूव कर पाएंगे। तो गाइस देखो ये वाली क्लिप यार गौर से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं फायर देने जाता हूँ और जैसे मुझे पता चलता है ना भाई आगे बंदा है अंदर बंदा है, और ये डोर टू डोर वाली फाइट के लिए स्पेशली होने वाली है। तो देखो प्री फायर आगे वाला बंदा दे रहा था शॉट गन उस पर, तो भाई वहाँ पे मैंने फॉल बैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो भाई सेम चीज आपको करनी है, जब भी आप डोर फाइट्स में होते हो ना तो वहाँ पे भाई प्री फायर में कभी भी नहीं घुसना होता है आपको। गाइस यार टू बी ऑनेस्ट अच्छे से अच्छा जो T1 प्लेयर है ना भाई उसके भी प्री फायर में जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। गाइस देखो करना कुछ नहीं है, जब भी आप किसी घर पे पुश कर रहे हो या फिर डोर टू डोर फाइट्स आपकी चल रही है ना, तो करना कुछ नहीं, या तो बंदे का एमओ खत्म करवा दो या फिर कुछ ऐसा करो कि जिससे आगे वाला जो बंदा है ना भाई वो खुद ही डोर के अंदर से बाहर आने की ट्राई करे, यानी कि आपके साइड आने की ट्राई करे, एंड उस सिचुएशन में भाई आपके जो चांसेस है ना जीतने के वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइस यार देखो तुम सैनो खेल रहे हो या फिर तुम इरेंगल खेल रहे हो या फिर भाई तुम मीरामार खेल रहे हो, कोई सा भी मैप तुम खेल रहे हो ना, वहाँ पे भाई तुम्हें कवर्स है ना हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इवन तुम TDM भी खेल रहे हो ना तो वहाँ पे भी तुम्हें अच्छे खासे कवर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब बहुत से लोगों की आदत क्या होती है ना भाई कि वो कवर छोड़ के है ना क्लोज रेंज फाइट्स में
वो भाई आगे वाले बंदे को एडवांटेज दे देते हैं और ओपन में चले जाते हैं। एंड गाइस आप लोगों का तो पता नहीं यार, लेकिन मैं ना पर्सनली ये वाली मिस्टेक बहुत ज्यादा किया करता था। आप में से भी कोई करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बता देना। तो भाई ये वाली जो मिस्टेक है ना क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा भाई आपको डिसएडवांटेज में ले जा सकती है। तो मेक श्योर करो कि गाइस अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कवर है तो भाई उसे छोड़ के तुम्हें क्यों जाना है। वहां पे तुम अगर टीपीपी खेल रहे हो तो थोड़ा सा टीपीपी लो। अब देखो ऐसा मैं नहीं बोल रहा भाई कि पूरा ही कैंप करके खेलने लग जाओ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा 1v1 करता हूं ना कभी। तो भाई कभी कभी होता क्या है ना कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि भाई बिल्कुल हार्ड कैंप करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ी देर की टीपीपी लेना बात अलग होती है कि मतलब आपको डैमेज हो गया है तो थोड़ा सा आप हील कर रहे हो तो वो बात अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैंप करके बैठ जाओ। स्पेशली मैं टीडीएम की बात कर रहा हूँ, तो टीडीएम में काफी लोग ऐसा करते हैं। तो भाई देखो कवर है ना तुम्हारे पास तो उसको अच्छे से यूज करो, डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ, वैसे तुम खेलोगे ना तो काफी ज्यादा एडवांटेज तुम्हें मिलने वाला है। बाकी यार देखो आगे मैं एक टीडीएम मैच जोड़ रहा हूं तो भाई वो जरूर से देख लेना, उसमें काफी अच्छे तुम्हें एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि मैं कैसे कवर को यूज करता हूँ, वी फायर मेरा कैसा रहता है वहां पे, तो इससे काफी ज्यादा हेल्प तुम्हें मिलने वाली है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। For the red team. Reloading. Cover me. Reloading. Me. Reloading. Cover me. Reloading. Cover me. Reloading. Cover me. Reloading.
me. Reloading. Cover me. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Reloading! Cover me! Reloading! Dead! Cover me! Reloading! Cover me! Target down! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! No mercy! Reloading! Cover me! Excellent work. Reloading. Clear. Target down! Cover me! Reloading! I need a weapon.
हेलो हेलो। अरे भाई, मतलब क्या सोचा तुम, मैं चला गया इतनी जल्दी? तो भाई देखो, मैं जस्ट चेक करना आया था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं भाई जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। और भाई अगर कोई देख रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि हाँ भाई, मैंने यहाँ तक वीडियो देखा है जहाँ पे तुम आए थे बाद में भी। एंड भाई तुम ही लोगों को भाई एक तगड़ा वाला शाउट आउट है मेरी तरफ से। तो भाई देखो, ऐसे ही सपोर्ट ज़रूर से करते रहना। एंड बाकी कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। Blue team victory!